नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी? दोस्तों ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि यार वी फास्ट के ऐप के बारे में बताऊंगा, ऑर्डर कैसे बुक करते हैं, पर जैसे जैसे इस वीडियो का एंड होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वी फास्ट कोरियर के ऐप से। एक तो पार्टनर का ऐप होता है बोर्डो का, और एक होता है दोस्तों वी फास्ट कोरियर का ऐप जिसपे कस्टमर ऑर्डर बुक करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या कर देंगे इसमें। ठीक है, चलिए ऐप के अंदर चलते हैं। ये ऐप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, नीचे ऑप्शन है लॉगिन और साइन अप का, और ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो है क्रिएट ऑर्डर का। तो हम डायरेक्ट क्रिएट ऑर्डर से ही चलेंगे। क्रिएट ऑर्डर पे हम कोई भी ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि कई ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर। सॉरी, सबसे ऊपर है डिलीवरी नाउ, शेड्यूल और 4 आवर्स इंटरवल। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले डिलीवरी नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ से दिखेंगी कि बुक कोरियर, ठीक है, और अप टू। तो हम यहाँ से बुक कोरियर पे क्लिक कर देते हैं। बुक कोरियर है, और वेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितने किलो का सामान भेजना है, तो हम 1 किलो का भेज देते हैं। दूसरा, हमारी जो पिकअप लोकेशन है वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कस्टमर क्या करता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कहीं से एड्रेस कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देता है, कुछ भी XYZ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं एक एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ, ये मानक विहार। तो आपको यहाँ पे 2 मानक विहार दिख रहे हैं और दोनों दिल्ली में हैं। सबसे पहला ऊपर वाला मानक विहार दिखेगा आपको आनंद विहार में, और दूसरा मानक विहार आपको दिखेगा तिहाड़ विलेज, मतलब कि जो सुभाष नगर के पास है। तो अब ये देखिए कि मैं दोनों ही मानक विहार है। तो कस्टमर, कल मेरे साथ ऐसा ही सीन हुआ था कि मुझे आनंद विहार वाले कस्टमर केयर पे मानक विहार पे जाना था, और पहुंच गया मैं तिहाड़ विलेज वाले मानक विहार पे। अब कस्टमर ने यहाँ पर आनंद विहार का चूज़ ना करके तिहाड़ वाला सेलेक्ट कर लिया, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो गई। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी एड्रेस चूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एक और तरीका है दोस्तों कि आप ये जो मैप है, मैप को खोलिए और अपने हिसाब से इसको जूम करके लोकेशन आप कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, जूम करके या इधर उधर करके आप ढूंढ सकते हो, तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगी। ठीक, नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है पिकअप, तो ऐसे एड्रेस आप सेलेक्ट कर लेना। दूसरा, नीचे कुछ आपको पॉइंट दिया गया है कि हाउ टू रीच, कोई लैंडमार्क वगैरह। फिर पिकअप लोकेशन का कस्टमर का नंबर है। इंस्ट्रक्शन फॉर कोरियर, कुछ इंस्ट्रक्शन अगर हो तो वो यहाँ पे टाइप कर सकता है। ठीक है, एडिशनल सर्विस, एडिशनल सर्विस में कॉन्टैक्ट पर्सन या योर ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें कुछ डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों डिलीवरी पॉइंट देखिए। ठीक है, ये पिकअप का था, पिकअप पॉइंट का था, और अब डिलीवरी पॉइंट का देखिए। डिलीवरी पॉइंट पे भी सेम आप वैसे ही एड्रेस चूज़ कर सकते हो, और नीचे हाउ टू रीच, मतलब कि लैंडमार्क वगैरह, और फ़ोन नंबर डाल सकते हो जहाँ पे डिलीवर करना है। एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी है, और रीअरेंज एड्रेसेस का भी है। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा ना, कई मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे और भी डिलीवरी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ ऑप्शन है कि व्हाट आर यू सेंडिंग्स, मतलब आप क्या सेंड कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट, फूड, क्लोथ, ग्रोसरी, फ्लावर्स, केक, या कुछ भी अदर्स में करके, या कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, पार्सल वैल्यू जितनी आप ऐड करोगे, आपके जो पार्सल की डिलीवरी है वो आपका चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चार्जेस बढ़ जाएंगे, वो इसलिए होता है कि जब आप पार्सल वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, 50,000 तक अलाउ होता है, जब आप ये वैल्यू डालोगे तो क्या होता है कि एक तरीके से वी फास्ट उसकी इंश्योरेंस कर देता है। अगर वो कहीं पे भी चीज़ मिस हुई या डैमेज हुई, या कह लीजिए कि गायब हो गई XYZ किसी भी रीज़न से, तो वी फास्ट 50,000 तक अगर आपने उतना की वैल्यू डाली है तो उतना आपको पे कर देगा। उसके एवज में बस थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, वो एक तरीके से इंश्योरेंस का मान लीजिए आप। ठीक है, और फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है अदर में, प्रेफर कुरियर
विद डिलीवरी बैग, के जैसे देखा होगा ना कि डिलीवरी बैग मांगते हैं, वो आप कर सकते हो। कोई नोटिफाई रिसिपिएंट विद बाय एसएमएस, तो एसएमएस से आपको जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट मोड, पेमेंट आप अगर कोई प्रोमो कोड है जिससे आपको सस्ता पड़ रहा है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। कैश है या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह का नीचे ऑप्शन है, तो ये इस तरीके से है। और दूसरा ये नीचे ऑप्शन है कि भाई आपको जो पेमेंट है वो फर्स्ट पॉइंट पे चाहिए या सेकंड पॉइंट पे, मतलब अगर आप नीचे सेलेक्ट कर दोगे तो डिलीवरी पे पेमेंट होगी, और फर्स्ट करोगे तो मतलब जहाँ से आप पिकअप कर रहे हो वहाँ से होगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कस्टमर है ना इन्हीं चीज़ों में बहुत चालाकी करता है, और उस चालाकी को पकड़ने के लिए आपको ये वी फास्ट का जो कुरियर का ऐप है इसके बारे में समझना ज़रूरी है। जैसे कल मेरे साथ हुआ कि उसने जो मानक विहार सेलेक्ट करना था वो गलत मानक विहार सेलेक्ट कर लिया, जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर क्या करता है कि पैकेज होगा बहुत भारी बड़ा होगा और वो सिर्फ अप टू 1 kg की कैटेगरी दिखा देगा, तो आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा हो तो सेम उसे एक डमी ऑर्डर बुक कीजिए अपने ऐप में, और वेट उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए तब कितना आपको चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इससे देखनी होगी। अभी देखो मैंने 1 kg अगर मैं करता हूँ तो आपको नीचे दिखेगा 233 रुपये, और वहीं अगर मैं 15 kg कर देता हूँ तो 333, 20 kg करता हूँ तो 383 रुपये, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए 20-20 kg या इससे भी ज़्यादा का सामान आपके आपके ऊपर मढ़ देता है और कहता है भाई और बंदे तो इतना ही लेके जाते हैं। भाई और बंदे लेके जाते होंगे, बट आप क्यों और बंदों की वो कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखा कीजिए। दूसरा, कस्टमर की लोकेशन जो इधर उधर हो जाती है, कस्टमर की जो लोकेशन इधर उधर हो जाती है, तो वो भी आप यहाँ से पकड़ सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐप, अगर आप ऐप समझ गए तो कस्टमर की जो चालाकियाँ हैं उसको भी आप पकड़ लोगे। ज़्यादातर कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इतने चिंदी चोर होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जैसे राइडर्स, जो गरीब राइडर है, बंदा अपने डेली खा रहा है, डेली मतलब कुआ खोदता है, डेली पानी पीना है, जिसको डेली की रोज़ी रोटी चलानी होती है, उसका बैंड बजाने के लिए तैयार रहते हैं जस्ट बिकॉज कि उसे 1 रुपया बचाना है। तो दोस्तों आपको इस ऐप को ज़रूर समझना चाहिए ताकि आप कस्टमर की मेंटेलिटी को समझ सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। गाली।